फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पैराडाइज गार्डन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और अपनी गार्डनिंग को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं एक और छोटी सी वीडियो आपको अपने बहुत ही प्यारे से एस्परेगस फर्न स्प्रिंगेरी डेंसी फ्लोरा के ऊपर लेके आई हूँ। और ये देखिए, लगातार इसमें फ्लावरिंग हो रही है। देख सकते हैं आप कितने खूबसूरत लगते हैं इनके फ्लावर्स, और ये फ्रेग्रेंट भी होते हैं साथ में। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि आप इस फर्न वेराइटी को ज़रूर अपने गार्डन में इंक्लूड करिए, क्योंकि इन फूलों की वजह से जो है हमारे गार्डन में बहुत सारे पॉलिनेटर्स भी अट्रैक्ट होते हैं। और ये बहुत ही ईजी टू केयर प्लांट है, पेस्ट फ्री प्लांट है, कोई ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रिपोर्टिंग भी आपको इतनी ज़्यादा नहीं करनी होती है, बस साल में एक बार रिपोर्ट कर दीजिए तो ये बहुत ही आराम से चलता रहता है। और इसको प्रोपेगेट करने का मेथड भी बहुत आसान है। इसे आप बहुत ही आसानी से जो है फ्रेंड्स बाय डिवीजन मेथड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं। ये देखिए, कुछ ही दिनों पहले मैंने इस प्लांट को जो है इस पॉट में रिपॉट किया था, आपके साथ शेयर भी किया था। आप देखिए, दोबारा से ये रूट बाउंड हो गया। इसके सारे बल्ब आप देख सकते हैं ऊपर आने लग गए हैं। तो इसे जो है बहुत जल्दी इसमें ग्रोथ होती है, और इसी को आप डिवाइड कर करके बहुत सारे नए नए प्लांट्स तैयार कर सकते हैं अपने गार्डन के लिए या किसी को गिफ्ट करने के लिए। तो ये तो एक प्रोपेगेशन का मेथड मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कई वीडियोस में, कि आप इनको डिवीजन से बहुत आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो एक और मेथड है इनको ग्रो करने का, वो है बाई सीड्स। तो ये देखिए, जब इनके ये फूल सूख जाते हैं फ्रेंड्स, तो इस तरह जो है इनमें, ये आप देख सकते हैं, इस तरह के गोल गोल बेरीज बनना शुरू हो जाते हैं। और यही बेरीज जब मच्योर हो जाते हैं तो कुछ इस तरह के हो जाते हैं, ये देखिए रेड कलर के। और यही बेरीज अगर आप इस तरह इस स्टेज पे आने के बाद हार्वेस्ट कर लें, थोड़े दिन और इनको सन ड्राई कर लें, जैसे ये सिकुड़ जाएंगे, आप इनकी स्किन देखिए इस तरह श्रिंक जब होने लगे, तब आप इनको दोबारा से सॉइल में प्लांट कर दीजिए। तो इससे भी जो है आप प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, बट ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। मैंने इस बार इनको सीड्स से ग्रो करने की कोशिश करी, लगभग शायद मैंने 1.5 या 2 महीने पहले इनके सीड्स लगाए थे, और बिल्कुल भी मुझे कोई रिज़ल्ट देखने को नहीं मिल रहा था। तो मैंने इसकी वीडियो बनाई तो थी, लेकिन क्योंकि कुछ रिज़ल्ट ही नहीं दिखने को मिल रहा था, तो मैंने वो फुटेज पूरी डिलीट कर दी। तो इस वजह से मेरे पास वो फुटेज तो नहीं है प्लांट करने के लिए, लेकिन आपको मैं एक बहुत ही सरप्राइजिंग रिज़ल्ट आज दिखाने वाली हूँ। ये जो सीड्स हैं फ्रेंड्स, जो मैंने लगभग शायद 2 महीने पहले लगाए थे, और फिर मैंने जो है बिल्कुल अपना होप जो है लूज़ कर दिया था कि ये सीड से नहीं ग्रो होने वाले, लेकिन टू माय सरप्राइज कुछ दिन पहले मैंने वही पॉट जिसमें मैंने ये सीड्स डाले थे उनमें से छोटे छोटे प्लांट्स निकलते हुए देखे। तो बस आज वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। चलिए आपको दिखाती हूँ वो रिज़ल्ट। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये वो छोटा सा पॉट है जिसके अंदर मैंने कुछ सीड्स जो हैं एस्परेगस फर्न के डाले थे। और शुरुआत में तो मैं बहुत इसकी अच्छे से केयर कर रही थी, टाइम टू टाइम इसमें वाटरिंग भी कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, बीतता गया, मुझे कोई भी रिज़ल्ट इसमें नहीं देखने को मिल रहा था। फैक्ट मैंने इसकी सॉइल के ऊपर कुछ सकुलेंस के लीव्स रख लिए थे, जिनको मैं टाइम एंड अगेन थोड़ा सा पानी से स्प्रिंकल कर रही थी। लेकिन कुछ दिनों पहले देखिए मैंने क्या देखा, मेरे इस पॉट में से ये एस्परेगस फर्न के सीड्स जो हैं स्प्राउट हो गए। ये दो प्लांट्स तो आप देख ही रहे हैं, इनकी पत्तियों से आपको समझ ही गया होगा कि ये एस्परेगस फर्न के ही प्लांट्स हैं। और ये देखिए नीचे, आप ये देख रहे हैं, ये एक नया छोटा सा प्लांट निकल रहा है। और ये जो सीड है ये तो मैंने आपको अभी ही दिखाया था, इसे भी मैं अब दोबारा से प्लांट कर दूँगी। तो यही रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करना था कि एस्परेगस फर्न, चाहे कोई सी भी वैरायटी हो, सबके सीड्स एक जैसे ही होते हैं। इनको अगर आप सॉइल में लगा दें और टाइम टू टाइम इसकी थोड़ी सी आप वाटरिंग करते रहें, अच्छी सनलाइट दें, तो ये कुछ टाइम बाद ज़रूर स्प्राउट हो जाएंगे। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये, लेकिन आपको रिजल्ट ज़रूर 100% मिलेंगे। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये छोटे छोटे से एस्परेगस फर्न के प्लांट्स। और ये छोटू साहब ये भी निकल रहा है, तो ये भी एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। और पता नहीं मैंने इसके नीचे और कितने सीड्स डाले थे, तो मैं थोड़ा टाइम और वेट करूँगी इनका बड़ा होने का, और अगर कुछ और प्लांट स्प्राउट हो गए तो उनको भी ग्रो होने दूंगी, और फिर जो है मैं इनको एक नए पॉट में शिफ्ट कर दूंगी जब ये मेरे प्लांट्स थोड़े से बड़े हो जाएंगे। तो बस यही आज आपके साथ शेयर करना था फ्रेंड्स, कि आप भी एस्परेगस फर्न को सीड से ग्रो कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है ना वेट करने का और इनको ग्रो होते हुए देखने का, ये बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही क्या कहते हैं फुलफिलिंग होता है किसी भी गार्डनर के लिए। तो आप भी इनको जो है सीड से ग्रो करके देखिए फ्रेंड्स, और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।